अरे बाबा कैसे हो। बैठो बैठो बाबा, बैठो बाबा। हाँ जी हाँ जी, बिराजो जो। पागलों की कमी थोड़ी है दिल्ली में। सीताराम, हाँ एक दिन ऐसा आएगा दिल्ली के हर मोहल्ले में बागेश्वर के पागल होंगे। हाँ होना भी चाहिए। बंसल साहब बुराई है क्या इसमें? हाँ क्या बुराई है, होना भी चाहिए पागल होने। घर घर मानवता का पाठ होना चाहिए। हमारा दरबार लगाने का ध्येय है मानव की हेल्प करे एक दूसरा मानव। पूछिए जय महाराज। कहाँ रहते हो आप? मैं दिल्ली में रहता हूँ। कहाँ? दिल्ली में रोहिणी के अंदर। पूछिए क्या बात है। गुरु जी आपका मैं बहुत समय से यूट्यूब के ऊपर देखता था। हेलो। हाँ, और मुझे काफ़ी आप अच्छे लगते थे क्योंकि मैंने बचपन से ही हनुमान जी की पूजा करी है और बचपन में ही हनुमान जी को प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त कर ली थी। मगर मम्मी पापा कहते थे क्या सन्यासी बनेगा, सारा घर बार छोड़ देगा, हमको भी छोड़ देगा। सन्यासी तो हम नहीं बन पाए। तो मैंने बाबा को विनती करी थी, बाबा दर्शन एक बार जरूर देना और अपने धाम पे कभी ना कभी बुलाना। हम बालाजी जाते थे, बाबा की कृपा से ही मैं जी रहा हूँ और सारा मेरा घर का काम चल रहा है। मगर कुछ परेशानियाँ हैं ना, वो काफ़ी दिनों से परेशान कर रही है। और मेरे जैसे? पे जैसे एक बार मेरी शादी होके टूट चुकी है, लोग बहुत परेशान करते थे, उसके बाद मुझे ताने भी देते थे, मगर मैंने हार नहीं मानी। उसके बाद मैंने मेहनत करता गया, आज मैं मीडिया एजेंसी के अंदर भी हूँ, फिर वहाँ से भी नौकरी छूटी, फिर बहुत परेशान हुआ, आखिरी में यही मान लिया कि अब जो है किसी सदगुरु के शरण में जाना चाहता हूँ। और जब से मैंने आपका देखा, मैं कोशिश कर रहा था कि एक ना एक बार दर्शन हो जाए। मम्मी पापा बहुत बुजुर्ग है, चल नहीं पाते, और घर में इंतजार कर रहे थे कि आपके जाके दर्शन करके आए, मगर कोरोना काल के कारण दर्शन नहीं करने आ पा रहे थे। आज मैं घर पे बस बैंक में पैसे लेने के लिए जा रहा था, पैसे लेते ही मेरा अचानक मैसेज आया आपके फेसबुक के माध्यम से। मैंने कहा बाबा आज आपने बड़ी मेहरबानी कर ली और आपने मुझे मैसेज कर दिया, और मैं तुरंत सारा काम छोड़ के पहले आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ, और मुझे कृपया करके गुरु दीक्षा देने की कृपा करें अगर मैं लायक हूँ तो, वो बड़ी मेहरबानी होगी बाबा आप पे। कोई बात? और मेरे ऊपर क्या चीज़ है ये बताने की कृपा करें, क्योंकि कई लोग बोलते गलत चीज़ है, कोई बोलते सही। आर्थिक विकास नहीं हो रहा, सब प्रकार हैरान है, सब काम रुक रहे हैं, क्रोध अत्यधिक आता है, ग्रस्त जीवन भी नहीं चल पा रहा। आपके शरीर के ऊपर विद्या का प्रभाव है, जिन्नात शक्ति का प्रभाव है, जिस कारण से आपका मन अशांत रहता है, शक्ति हटेगी, जीवन की उन्नति होगी। आशीर्वाद। जय बाबा जी। बाबा मेरी मम्मी के ऊपर क्या शक्ति का है ये बताने की कृपा करें। की शक्तियाँ हैं जिन्नात के साथ में प्रयोग की गई हैं, किसी स्त्री द्वारा भेजी गई हैं, एक को पकड़ता एक को छोड़ता, वो चूंकि विषय आपको पता है इसलिए हम उसमें डिटेल में जाना नहीं चाहते। कोई पितृबाधा तो परेशान नहीं है? नहीं, पितृदोष नहीं है, आपके स्थान की शक्तियाँ हैं। स्त्री बार बार फोटो लेकर के करवाती है, वो विषय आपको पता है आगे जाने की, हाँ या ना जी? चूंकि तुम्हें पता है, 500 बार लड़ाई लड़ चुके हो, बांध लिया जाए। सन्यासी बाबा की, बाबा शरण में लो दीक्षा के घर पर भी शरण सेना भेज दी जाए। आज के बाद आपके घर पर कोई भी तंत्र नहीं कर पाएगा, सवारी घर पर नहीं आएगी, धाम पर आएगी जो वहां हमेशा के लिए बंध जाएगी। बाबा गुरु दीक्षा देने की कृपा करें। देखें मेहरबानी होगी। खुश रहो, जुड़े रहो, क्या पता 2-4 दिन में चले जाओ जी दूसरे गुरु के पास। 50 गुरु बदल नहीं बाबा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। देखते हैं हम। बाबा हनुमान जी कृपा करें, सीताराम जी कृपा करें और सन्यासी बाबा। एक मंत्र लिखा हमने, 5 माला करनी है, हम विचार करेंगे शरणागति के लिए, हमें गुरु आज्ञा लेनी पड़ेगी। अभी कोई गुरु आज्ञा नहीं है, अभी हम दीक्षा के लिए हाँ भी नहीं कह सकते। हमें गुरु आज्ञा लगेगी, पहले सेवा करो, भाव पूर्वक ध्याओ, लगेगा हम बुला करके 1000 लोगों में कह देंगे आज तुम्हारी दीक्षा है। बड़ी कृपा होगी बाबा। कुछ बोलो, सन्यासी बाबा की जय, बोलो सीताराम भगवान की, श्री बालाजी महाराज की जय। गाली नहीं बकनी है, गाली नहीं बकनी है, किसी के ऊपर कोई लांछन नहीं लगाना, किसने किया वो भाड़ में जाए, ठीक करने वाले बैठे, जाओ खुश हो। क्या बात पूरी एकदम सही? मान गए बाबा हनुमान जी महाराज आपको। सीताराम जय जय राम। बोलो बागेश्वर धाम। यहाँ पहली बार आए तुम?
पहली बार आया हूँ मैं यहाँ। पहले से किसी को बताया था तुम? किसी को भी नहीं बताया मैंने। किसी को ये विषय बताए थे क्या? किसी को भी नहीं बताया। जाओ जैसी तुम्हारी सुनी वैसी बालाजी सबकी सुने। सबकी सुने। जय बालाजी महाराज जी। आपको बुलाया था हमने? नहीं नहीं नहीं, वहाँ एक जो मोबाइल वाली बहन जी थी उनको बोला। गुरु जी एक बार मत्था टेक सकते चरणों के अंदर? एक बार मत्था टेक सकते गुरु जी? अभी हम गद्दी पे बैठे, बाहर आएंगे तब। खुश मोबाइल जो चला रही थी उनको। तुम्हारे स्वामी जी तो हमारी सेवा में बाबा बना रहे हैं। मैंने ये भैया हन हन बंद कर दे रेलगाड़ी से, मोरो दिमाग भनभनात। बोलो सीताराम। जय सीताराम। कई बार जरूरी नहीं होता है कि हम उस विषय को उजागर करें जो सब जाने। कई बार स्वयं क्यों केवल सावधान कर दो तो व्यक्ति समझ जाता है कि थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत कुछ है। और बुरा मत मानना, हमारे सिद्धांत में है हम चमत्कार के चक्कर में ज्यादा नहीं रहते, हम किसी की मूल परेशानी बताने के चक्कर में ज्यादा नहीं रहते, हम किसी का नाम बाप का नाम बताने के चक्कर में नहीं रहते। हमारा एक ही सिद्धांत है, जो दरबार में आया उसकी समस्या का हल हो जाए, उससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। जय उनकी जय। बताने वाली क्या बात हुई? बताने के लिए तो तुम्हें तो खुद पता है कि हम काहे से परेशान हैं। तुम्हें स्वयं पता है कि हम इस विषय से पीड़ित हैं। तुम्हें स्वयं पता है कि हमारी यह समस्या है। तुम्हें स्वयं पता है हमारे पिताजी का यह नाम है। तुम हल नहीं जान पा रहे हो, हल खोजने आए हो, समस्या का समाधान पाने आए हो। और हम भी तुम्हें वही खिलौना में बिदाए रहे कि तुम्हारे पिताजी का नाम ये, दादा का नाम ये तुम्हारी घरवारी, और ये ऐसी समस्या लेकर आए और पर्चा पकड़ा दें, उससे कुछ भी लाभ निकलने वाला नहीं है। क्योंकि वो तो तुम्हें खुद पता है। हम ज्यादातर अपने गुरुदेव भगवान से, अपनी शक्तियों से, हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार यही निवेदन करते, बालाजी किसी का प्रश्न सही बता पाए ना बता पाए, किसी के घर की गहरी बात बता पाए ना बता पाए, किसी के बाप का नाम बता पाए ना बता पाए, चलेगा, पर वो अगर रोता हुआ आया और मुस्कुराता हुआ जाए काम होगा। हो सकता है आप सिर्फ चमत्कार चक्कर में बैठे हो सकता है आप सिर्फ जिज्ञासा जानने की बैठे हो, पर हमारा ध्येय चमत्कार नहीं है। आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगेगा, जितनी ये बातें हम बोल देते ये तो चलते फिरते बोल जाते हैं। और बुरा मत मानिएगा, सबसे बड़ी विद्या, सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा चमत्कार है गुरु कृपा। हम तो कुछ बोलते ही नहीं, बोलने वाला बोलता है, और जो भी बोलता किसी की क्षमता नहीं काट दे, किसी की क्षमता नहीं काट दे। बोलने वाला हनुमान जी है, वो बोलता है, और बोलता है तो किसी की क्षमता नहीं काट दे, और पर्चे पर लिख दिया तो ये भी क्षमता नहीं है कि वो गलत निकल आए, ये भी तय है। पर देखो बुरा मत मानना, बरसात होती है, बरसात में उन्हीं पात्रों में पानी भरता है जिन पात्रों का मुख ऊपर की तरफ होता है, उसी में बारिश की बूंदों का पानी टिप 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 करके भरता है। जिनका पात्र का मुंह नीचे की तरफ होता है उन पर कभी कृपा नहीं होती। हम ये कहना चाह रहे हैं बागेश्वर धाम से जुड़े हुए देश और विदेश के भक्तों से, तुम्हारे अंदर जिगर हो समय का, बहुत ज्यादा वेट करने का, बहुत ज्यादा इंतजार करने का, बहुत कुछ खोने का, तो बहुत कुछ पाने के लिए तब आना बागेश्वर धाम। और आपके पास समय ना हो, आपके पास टाइम ना हो, आपके पास बहुत कुछ खोने के लिए कुछ ना हो, तो प्लीज नो, आप आना नहीं, घर पर ही रहो। बहुत दरबार है भारत में, बहुत गुरु है, उनके चक्कर में पड़ो ना, ये दरबार है ना, ये तो गुरु है ना, हम कोई संत हैं ना, हम तो पक्के असंत हैं, पक्के कबाड़ी हैं, बस इतना है, हम हनुमान जी के हैं, हनुमान जी हमारे हैं, ये तय है। हम जैसे हैं वैसे अपने गुरु जी के हैं, हम जैसे हैं वैसे अपने हनुमान जी के हैं। और हमें ये भी नहीं कि आप धन्यवाद दो, हमें ये भी जरूरत नहीं कि आप मानो कि कुछ भी कहो, बहुत तेज सिद्धि है। हम प्रमाण पत्र लेने भी नहीं आए, हम तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान देने आए, चाहे वो मुट्ठी बांध करके हो जाए, जरूरी नहीं पर्चा बने,
बागेश्वर धाम से जुड़े हुए लोग सुन लो ये बात, गांठ बांध लो। जरूरी नहीं तुम्हारा पर्चा बने, जरूरी नहीं तुम्हारी चर्चा हो, जरूरी नहीं तुम्हारी पेशी हो, जरूरी नहीं तुम पर कुछ भी हो, एक बात गांठ बांध लो, आज से प्रण ले लो कि आज से हम बालाजी के और बागेश्वर बालाजी हमारे, गारंटी हमारी खाली नहीं रहोगे, खाली नहीं रहोगे ये पक्का है। और काम सफल हो जाए तो धन्यवाद की भी जरूरत नहीं, कन्या भोज हो सके तो करवा देना, काम पूर्ण हो जाए तो कन्या भोज करवा देना है, काम सिद्ध हो जाए तो भंडारा करवा देना, काम सिद्ध कोई बड़ा हो जाए तो किसी गरीब बेटी का विवाह करवा देना। ना तो हम आपकी संपत्ति के लिए बैठे हैं ना आपके धन के लिए, तुम में जितनी क्षमता हो हमसे ले जाओ, धन नहीं आशीर्वाद मार्गदर्शन। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं बागेश्वर धाम से जुड़ना अमीरों का शौक है, सबके बस की बात नहीं है, गरीबों की बस की बात नहीं। और अमीर का मतलब धनवान व्यक्ति नहीं, संपत्ति वाला व्यक्ति नहीं, जिसका हृदय अमीर हो वो आदमी का। इसलिए अभी भी कहेंगे, अभी मौका है, अगर तुम लोग शायद अगर इस चक्कर में बैठे हो कि नहीं अगर हम एक स्पेसी करेंगे तभी चमत्कार होगा, नहीं सुनेंगे तो अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, मूड़ धर के पाँव पर हो पीले चाव नहीं दे, प्लीज गो, आप जा सकते हो, शोर मत मचाओ। भगवान बोलो बागेश्वर धाम की जय।